आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज सच्चाई का दर्पण। खबर बालाघाट जिले के वारासिनी से। विधायक प्रदीप जायसवाल ने 3 ग्राम पंचायतों में 277 लाख रुपए की 3 नल जल योजना का किया भूमि पूजन। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल क्षेत्र विकास को लेकर पूरी तरह गंभीरता से नजर आ रहे हैं। वहीं क्षेत्र में लगातार विकास कार्य प्रगति पर है। इसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत कोस्ते लिंगमारा एवं दीनी में लगभग 277 लाख रुपए की 3 नल जल योजना का भूमि पूजन व विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल एवं वहीं कार्यक्रम में अध्यक्ष जनपद पंचायत प्रधान चिंतामन नकपुरे उपस्थित रहे, जबकि विशेष अतिथि के तौर पर श्रीमती मेघा किशोर बिसेन, श्रीमती डूलेश्वरी अशोक हनवत, श्रीमती निशा जीपेंद्र पटले, विनोद ठाकरे, श्रीमती लीला अरविंद बिसेन, श्रीमती पुष्पा विजय नकपुरे सहित सरपंच, उप सरपंच, सचिव एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जहां विधायक गुड्डा भैया ने कहा कि बालाघाट जिले में सबसे अधिक पेयजल की सुविधा में कार्य वारासिनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और पूर्व में जहां लगभग 40 पंचायत में नल जल योजना की सुविधा मिल चुकी है, वहीं लगभग 21 ग्राम पंचायत में जल्द शुरू होने की तैयारी प्रारंभ है। जहां ग्राम पंचायत लिंगमारा में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम से सभी हैंडपंपों में खारा पानी आता है। इस पर विधायक जायसवाल ने एसडीओ पीएचई प्रकाश सूर्यवंशी को निर्देशित किया कि जहां से भी हो ग्राम पंचायत में मीठे पानी की व्यवस्था कर ग्रामीणों को मीठा पानी उपलब्ध करवाया जाए। वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खबर भारत न्यूज के लिए वारासिनी से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और उसके बाद निचले स्तर पर हम जाते हैं। अभी तक ये होता था अगर कोस्ते में किसी की तबीयत खराब हुई है तो 3-4 दिन का टाइफाइड का इलाज हुआ, कोरोना का इलाज नहीं हुआ, समय पर इलाज नहीं मिलने से रणपुर हो गया, वारासिनी के हॉस्पिटल लगा, उसने बालाघाट भेज दिया। बालाघाट में कोई काम हुआ, इतनी भीड़ बालाघाट के हॉस्पिटल में कि एक बेड पर 4-4 लोग पड़े, किसी को ऑक्सीजन लगे तो कुर्सी में बैठा के ऑक्सीजन लगा रहे हैं। देखिए कल जो हमारा ग्राम पंचायत कोस्ते, ग्राम पंचायत हमारा, ग्राम पंचायत दीनी, ऐसे 3 ग्राम पंचायतों में जहाँ नल जल योजना सफल होने 3 करोड़ साथ ही हमारे जैसा हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र तक सभी जगह हमने व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। तो ऐसे सभी जगह हम अति कच्चे दे रहे विधायक दिल्ली के माध्यम से और एसी की व्यवस्था, वाटर फिल्टर की व्यवस्था, ताकि जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ स्वच्छ पानी रहे, स्वच्छ वातावरण रहे। तो इस तरह से हमने 3 जगह अभी कल वाटर सप्लाई जो 3 को हुई। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि अन्य सभी पंचायतों में महिलाओं को सबसे बड़ी सुविधा देने के लिए कि घर बैठे महिलाओं को स्वच्छ पानी पीने को मिले। दोस्तों प्राथमिकता के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों में को देना है और इसमें हमारी जो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पूरा समर्थन दिया हुआ है और उनके आशीर्वाद से उनका पूरा सहयोग मिलता है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में पीने के पानी की व्यवस्था भैया। जैसे लिंगमारा में दिक्कत आई थी कि आप गए थे तो वहाँ लोगों ने कल कहा आपको खारा पानी की दिक्कत है, पूरे गाँव में खारा पानी आता है। लेकिन हमने सख्त निर्देश दिया हुआ है कि नल जल योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि भले ही गाँव के बाहर पानी मिले, गाँव के बाहर से पानी को पानी की टंकी पर डाल के गाँव में पानी पिलाना, तो उसमें यह है कि सर्वोच्च प्राथमिकता है मीठा पानी ही आना चाहिए, खारा पानी आना नहीं आए। तो इससे गांव में जो बहुत सालों से समस्या आ रही है, खारा पानी मजबूरी में पीते हैं बेचारे गांव में, तो ऐसी समस्याओं को भी अंत होगा। भैया अभी देखा अपन ने कि 3-2-3 करके काफ़ी जगह नल योजनाएँ आपने लाई, आगे भी ये कार्यक्रम है कि पंचायतों में क्या आगे? हमने लगभग अभी 21 ग्राम पंचायतों में विद्युत स्तर पर हम लोग सब भूमिपूजन करेंगे, लगभग 21 ग्राम पंचायतों में कहीं सभी जगह बड़ी टंकी बन और सभी जगह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मीठा पानी गाँव के लोगों को पीने को मिले पाइपलाइन के माध्यम से। यानी भैया अपन मान सकते हैं कि लगभग 21 करोड़ के काम आगे लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में।